प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप उन विद्यार्थियों से डील कर सकते हो जो लेट आते हैं। देखिए, जब भी कोई विद्यार्थी लेट आता है तो उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। कुछ विद्यार्थी कभी कभी लेट आते हैं, कुछ विद्यार्थी हर रोज ही लेट आते हैं। तो इन विद्यार्थियों से कैसे डील किया जाए? देखो, जब कोई विद्यार्थी फर्स्ट टाइम लेट आता है तो वो एक गलती है, उसे माफ किया जा सकता है। बट अगर वो रोज ही लेट आता है तो इसका मतलब है कि उस विद्यार्थी की आदत बन गई है, एक गंदी आदत, जिससे वह अपने अध्यापक का टाइम वेस्ट करता है। तो सबसे पहले एक अच्छे अध्यापक को कैसे उसे डील किया जाए, सबसे पहले वो ये देखे कि क्या रीजन है। कोई भी विद्यार्थी आए, अध्यापक को हर एक विद्यार्थी के ऊपर निगाह रखनी चाहिए कि हाँ, यह मेरा विद्यार्थी है, ये लेट क्यों आया। कुछ रीजंस होते हैं जिसे हम बहाने नहीं कह सकते, परंतु कुछ ऐसे रीजंस भी होते हैं जिसे हमें बहाना कहा जा सकता है। क्योंकि लेट आने की आदत ना सिर्फ विद्यार्थियों को होती है बल्कि सभी को होती है। इवन जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, इवन टीचर्स भी लेट आते हैं। तो सबसे पहले उससे कारण को पूछा जाए कि बेटे तुम क्यों लेट आया, उसके बाद देखा जाए कि क्या रीजन है, उस रीजन को सॉल्व किया जाना चाहिए। अगर वो रीजन सॉल्व हो गया तो यह 100% गारंटी है कि विद्यार्थी जो पढ़ने के लिए आया है, स्कूल में आया है, वह ऐसी गलती फेल नहीं करेगा। मान लीजिए पहली मिस्टेक हो सकती है, उसका रीजन हो सकता है कि ट्रैफिक जाम है। तो ऐसे सिचुएशन में आप प्रिंसिपल से बात करके कुछ ऐसा ट्रांसपोर्ट का एक सोल्यूशन निकालें जिससे इम्प्लॉय क्षति स्कूल में दाखिल हो सके। हो सकता है कि स्टूडेंट आलसी नहीं है, जो ड्राइवर है वो आलसी है और उसकी पनिशमेंट आप विद्यार्थी को दे रही हो। काफी डीपली जाइए, देखो आप एजुकेशन एरिया में हो तो डीपली आपको सोचना पड़ेगा। नंबर दो पे, आप क्या खुद क्षति स्कूल में जाते हो? अगर आप छेती स्कूल में नहीं जाते और सिर्फ दूसरों को एलिगेशन देते हो, वो भी गलत है, यह भी एक रीजन है। ऐसी तीसरा रीजन ये हो सकता है कि उसे घर से पूरी सपोर्ट ना मिलती हो। बच्चे को खुले दिल से, पूरा उसको कॉन्फिडेंस में लेकर आप ये बात कीजिए, प्यारे बेटे क्या समस्या है तेरे को, क्यों लेट आता है। तो हो सकता है कि उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट ना देते हों, तो उनके पेरेंट्स को बुलाइए, उनको काउंसलिंग में शामिल कीजिए, कन्वर्सेशन कीजिए, उन्हें कहिए कि क्या रीजन है, आप बच्चे को भोजन टाइम पे क्यों नहीं देते। हो सकता है कि बच्चा आपसे डरता हो, यह भी एक रीजन है। बहुत सारे विद्यार्थी अपने अध्यापक से डरते हैं क्योंकि अध्यापक राक्षस बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपना चेहरा एक राक्षस की तरह ही बदला हुआ है। अध्यापक तो एक ऐसा होना चाहिए कि बच्चा उसके सामने आते ही उसका कॉन्फिडेंस 10 गुना बढ़ जाए, एक खुशी का माहौल, एक हंसता हुआ चेहरा। तो ऐसा वो समझे, वो स्कूल को एक जेल खाना ना समझे, वो स्कूल को एक अपना घर समझे। मैंने भी एक ऐसा स्कूल खोला है, तो हम सभी बच्चों को एक अपने घर का हिस्सा समझते हैं। तो ऐसे ही होना चाहिए। कुछ मिस्टेक्स होती हैं, कई अध्यापकों को अपनी गलतियां ही नहीं दिखाई देती हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स में, क्योंकि स्टूडेंट्स एक फूल है, आप बन गए हो, उस फूल को आपने और भी विकसित करना है। तो ठंडे दिमाग से एक एक रीजन आप उनसे पूछते जाइए। अगर आपको लगता है कि हाँ, बच्चे में गलत आदत बन गई है, तो आपने क्या करना है, उसकी एक अच्छी आदत बनानी है।
कि बेटे अगर तुम छेती स्कूल आएगा तो तेरे को मैं रिवार्ड दूंगा। रिवार्ड में आप कह सकते हो कि उसको आप मॉनिटर बना सकते हो कि देखो मेरे जाने के बाद कुछ काम कर रहा हूँ, ये क्लास को तूने मैनेज करना है। फिर तुम्हें पता लगेगा कि एक टीचर की क्या क्या ड्यूटीज होती है। तो वही एनर्जी जो बच्चा लेट आने में खर्च करता है वो आपसे अच्छी शाबाश प्राप्त करने के लिए, आपका कहना मानने के लिए आगे आएगा। तो ऐसे ऐसे करके आपके रूल्स रेगुलेशंस डिसिप्लिन क्रिएट होता जाएगा। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, उस विद्यार्थी की साइकोलॉजी को आपने समझते जाना है कि कहाँ मिस्टेक है, कहाँ मिस्टेक है, उस पिन पॉइंट को आपने सॉल्व करना है। तो कोई भी विद्यार्थी आपका कभी लेट नहीं आएगा। और मुझे जब मैं टीचर था ऑफलाइन पे तो मेरे विद्यार्थी सभी टाइम पे आते थे क्योंकि हम उनको मोटिवेट करते रहते थे समय की क्या कीमत है इस संबंध में उनको बताना, तो वो समझेंगे हाँ अध्यापक समय का बहुत पाबंद है, तो वो भी समय के पाबंद होंगे। तो इन्हीं बातों के साथ ओम।